सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजाज खान वर्सेस राजवीर फिटनेस की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो दोस्तों फाइनली इनकी कंट्रोवर्सी जो है वो अभी खत्म हो चुकी है और ये दोनों एक दूसरे से मिल गए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मेरी कल वाली वीडियो में बताया था कि कैसे राजवीर फिटनेस मुंबई आए थे और आने के बाद राजवीर फिटनेस ने एजाज खान को मिलने के लिए ओपन चैलेंज दे दिया। और दोस्तों फाइनली ये दोनों कल रात में मिले और मिलने के बाद इन दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है आप इस में देखिए। आगे इधर उधर ऊपर इसीलिए जा रहा था। क्या हाल है? ठीक आओ बैठ के यार, करो यार, तुम लोग यार बड़े बड़े शानी लोग हो यार, सब बच्चा लोग चिल्ला के नहीं भाई, प्लीज रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ मत करो ऐसा भाई। एक बात बता, सब लोग इधर ही है, हरियाणा का नाम जान लिया, मैं तेरे को जानता हूँ, कभी बात किया तेरे से मैं, कभी भी तेरे को जानता हूँ मैं। तूने मेरे को गाली दिया, मैंने वो गैरी मिनाटी की मार छोड़ा, तू बीच में काहे को आया? तूने सारों को नहीं बोला, सारे यूट्यूबरों को खाके लाऊंगा? सारे नहीं, जो हमारे जो जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसको तू इन्फ्लुएंस कर मेरा बच्चा लोग, घर का लोग बच्चा लोग देखता है बरोबर। तुम लोग क्या करते हैं, लोकेशन दे रहे हो, तुम लोग ओला ड्राइवर हो, यूट्यूबर हो ना, तुम लोग अच्छा अच्छा इन्फ्लुएंस करो ना, सब लड़ाई झगड़े का मसला है। दोस्तों एजाज खान और राजवीर फिटनेस इन दोनों के मिलने से पहले का इनका एक कॉल रिकॉर्डिंग वाला वीडियो अभी वायरल जा रहा है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए लोकेशन की बातचीत कर रहे हैं। तो वो भी वीडियो आप देख ही लीजिए। कहाँ है तू? बॉम्बे में? मैं हूँ बॉम्बे में। इधर त्याग जी, कौन सी जगह है ये? मैंने लोकेशन भेजी हुई है। इधर पूरा लोकेशन बताना, अभी मैं जोगेश्वरी में हूँ, एक शादी में हूँ इधर। अच्छा रात को पार्टी का करेंगे, साथ में करते, बता किधर, बता मेरे भाई किधर। तू कहाँ होटल का एड्रेस तो दे, कहाँ रुका है यार तू? हर बार चुतिया मत बना पब्लिक को यार, कौन सी होटल में रुका है, एक एड्रेस दे। ये होटल, ये 415 कमरा नंबर तूने दिया था, कौन सी होटल? स्पोर्ट्स क्लब में कौन सी होटल है रे? तो दोस्तों फाइनली इनकी कंट्रोवर्सी जो है वो अभी एंड हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है कि इनकी कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड थी? मुझे आपके ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं ECL के बारे में। तो दोस्तों कल था इल्विश यादव और मुनावर फारूकी की टीम के बीच में सेमीफाइनल का मैच, और इल्विश यादव की टीम हरियाणवी हंटर्स जीत लेती है इस सेमीफाइनल के मैच को। लेकिन दोस्तों इस मैच में मुंबई की तरफ से मुनावर फारूकी खेलते हुए नजर नहीं आए, और अभी काफी सारे लोग इल्विश यादव पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये मैच उन्होंने फिक्स किया था। तो अभी मुनावर फारूकी की टीम के एक फैन इस मैच को लेकर क्या कुछ कहते हैं आप देखिए। निकलो, दुनिया भर की तो करी चीटिंग, बॉलर चेंज करा, जब फटने लगी जब तब चोट लगी। अबे फिक्स है पता क्या, कल फिर पब्लिक कैसे आती भाई? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, सिंपल सही है, पोक करा दुनिया भर का खिलाड़ियों को, दूसरा कहते फिक्स है, जैसे कुत्ते भोंकते हैं ना तो। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सच में ये मैच फिक्सिंग किया था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बात चल रही है इल्विश यादव के बारे में। तो दोस्तों इल्विश यादव ने ट्रोल कर दिया है मुनावर फारूकी को। जी हाँ दोस्तों, इल्विश यादव मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनावर फारूकी के बारे में क्या कहते हैं आप देखिए। मुनावर को बहुत मिस करा भाई मैंने, मुनावर होता तो ये यहाँ तक पहुँचते भी नहीं और पहले लुढ़क जाते।
तो चलिए बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो दोस्तों ध्रुव राठी बन चुके हैं फादर। जी हाँ दोस्तों, उनके घर में एक बेबी बॉय ने जन्म लिया है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ध्रुव राठी। तो चलिए बात कर लेते हैं थगेश के लफड़ा सेंट्रल के बारे में। तो दोस्तों थगेश के लफड़ा सेंट्रल का लास्ट एपिसोड कल आने वाला है और इस लास्ट एपिसोड में दीपक कलाल गेस्ट बन के आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दीपक कलाल लफड़ा सेंट्रल लास्ट एपिसोड के गेस्ट होने वाले हैं। रिसेंटली थगेश ने लफड़ा सेंट्रल के लास्ट एपिसोड का टीजर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। और कल जो है दीपक कलाल लफड़ा सेंट्रल में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना।